नागौर जिले की मंडियों में 22,800 रुपये पहुँचे जीरे के भाव, इसबगोल 14,800 रुपये और सौंप 11,700 रुपये तक बिकी। नमस्कार, आपका स्वागत है न्यूज़ 21 राजस्थान और नागौर हेडलाइंस में। हेडलाइंस की शुरुआत में नज़र डालते हैं नागौर जिले की मंडियों के भाव पर। नागौर जिले में मंगलवार को मेड़ता मंडी में मूंग न्यूनतम 4,500 अधिकतम 5,300, चना न्यूनतम 4,400 अधिकतम 4,500, गवार न्यूनतम 5,480 अधिकतम 5,740, जीरा न्यूनतम 17,000 और अधिकतम 22,700, सौंप न्यूनतम 9,200 और अधिकतम 11,700, रायडा 5,600 और अधिकतम 7,109, तारामीरा न्यूनतम 5,600 और अधिकतम 5,661, इसबगोल न्यूनतम 12,000 और अधिकतम 15,350, कपास न्यूनतम 9,000 और अधिकतम 10,500 और असालिया न्यूनतम 7,300 और अधिकतम 7,500 रुपये बिका। वहीं अगर नागौर जिला मुख्यालय स्थित मंडी की बात करें तो यहां जीरा न्यूनतम 18,000 और अधिकतम 22,800, गवार न्यूनतम 5,500 और अधिकतम 5,750, मूंग न्यूनतम 4,500 और अधिकतम 6,750, सौंप न्यूनतम 8,000 और अधिकतम 10,800, इसबगोल न्यूनतम 12,000 और अधिकतम 14,800, तिल न्यूनतम 8,000 और अधिकतम 10,000, सरसों न्यूनतम 6,000 और अधिकतम 6,650, तारामीरा न्यूनतम 5,000 और अधिकतम 5,750, चना न्यूनतम 4,500 और अधिकतम 4,700 और मेथी अधिक न्यूनतम 5,000 और अधिकतम 5,400 रुपये बिकी। मौसम समाचार। नागौर जिले सहित राजस्थान भर में दिन के साथ साथ रात में भी चल रही है लू। पारा पहुंच गया है 44 डिग्री के पार। जोधपुर के फलोदी कस्बे में सोमवार रात का तापमान दर्ज हुआ 34 डिग्री सेल्सियस। यही इस सीजन की सबसे गर्म रात थी। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 24 मई तक राज्य में ज़बरदस्त गर्मी पड़ेगी। मंगलवार को भी नागौर समेत 17 जिलों में दिन का तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहा। राज्य में मंगलवार को जालौर का तापमान अधिकतम 46.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। वहीं नागौर का कल का तापमान न्यूनतम 26.5 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 45.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। इस लिहाज से नागौर प्रदेश का तीसरा सबसे गर्म जिला बना। डॉक्टर द्वारा भीषण गर्मी को देखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने के साथ साथ सूती कपड़े पहनने और बाहर निकलते समय सिर ढककर जाने की दी जा रही है हिदायत। वहीं नागौर जिले में अगर देखा जाए तो आइसक्रीम पार्लर, जूस के ठेलों और दुकानों पर लगी है काफ़ी भीड़। अगर जिले में बीते एक सप्ताह के तापमान पर नज़र डालें तो 2 मई को जिले का तापमान भी पहुंच गया था 47 डिग्री सेल्सियस तक। जिले का तापमान न्यूनतम अब तक इस सप्ताह में 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से कैबिनेट मंत्री महेश जोशी को तुरंत मंत्री पद से बर्खास्त करने की है मांग। उन्होंने कहा कि जोशी के बेटे पर लगे हैं गंभीर आरोप, ऐसे में सीएम को मंत्री को कर देना चाहिए बर्खास्त। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले शासन के वक्त किसान और दलित वर्ग से संबंध रखने वाले कांग्रेसी नेता और मंत्री जैसे महिपाल मदेरणा, बाबूलाल नागर और मलखान सिंह बिश्नोई पर सरकार ने जांच तुरंत सीबीआई को दे दी थी, परंतु इस मामले में मंत्री को पद से हटाने में क्यों कर रहे हैं देरी। इस मामले को भी सीबीआई को सौंप कर पीड़िता को सुरक्षा देने की उन्होंने कही है। मुख्यमंत्री को तुरंत प्रभाव से महेश जोशी के बेटे को गिरफ्तार करने के निर्देश देने चाहिए। महेश जोशी को इसको बर्खास्त करेगा इस्तीफा नहीं, और मैं महेश जोशी को भी कहना चाहूँगा इनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। इनके बेटे ने जिस हिसाब से एक पहले शादीशुदा तरह कोई ये कह रहा कि इन्होंने धर्म भी बदल लिया, ऐसी बातें हमने भी सुनी है सारी बातें, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का कि इस लड़की जो कह रही है सच्चाई है। लड़की को सुरक्षा राजस्थान की सरकार दे, और दिल्ली में क्यों हो ये जांच, यहाँ और यहाँ से सीबीआई में ट्रांसफर कर दे सीएम अगर चाहे तो। सीएम ने जब महिपाल मदेरणा, बाबूलाल नागर की जांच सीबीआई को देके इनको गिरफ्तार कराया था तो महेश जोशी इतने कितने करीब हो गए। ये मुख्यमंत्री का संदेश पूरे देश के अंदर जाएगा कि सीएम सबके लिए समान है, नहीं तो सीएम की मानसिकता ये लगेगी कि ये सिर्फ कुछ जातियों के कुछ वर्गों के खिलाफ है। ये सीएम
का दर्शाने का समय, अभी इनको तुरंत महेश जोशी को हटाना चाहिए, इनको इसके बेटे को यहाँ दर्ज करके जो जीरो एफआईआर दिल्ली में हुई है दर्ज करके कार्रवाई करें और सीबीआई जांच इस मामले में करें और युवति को सुरक्षा प्रदान करें। इसको लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आवश्यकता पड़ी तो आज हम इसके आंदोलन का ऐलान भी करेंगे, किस तरह हम आरएलपी पार्टी आंदोलन करेगी मंत्री को हटाने को। नागौर महिला थाना पुलिस टीम ने वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु कार्रवाई करते हुए कस्बे नागौर से एक स्थायी वारंटी को किया गिरफ्तार। गिरफ्तार वारंटी तीन तलाक के प्रकरण में लंबे समय से चल रहा था फरार। आरोपी मोहम्मद असलम निवासी चूरू को कल महिला पुलिस थाना टीम ने नागौर कस्बे से कर लिया गिरफ्तार। थाना अधिकारी विमला द्वारा गठित विशेष टीम ने की है कार्रवाई। पंचायत समिति मकराना की साधारण सभा की बैठक कल विधायक एवं प्रधान की मौजूदगी में हुई आयोजित। बैठक के दौरान बिजली, पानी, सड़क, चिकित्सा, महिला एवं बाल विकास सहित अन्य विकास कार्यों पर हुई चर्चा। विकास अधिकारी धन सिंह राठौर ने सदन को पिछली बैठक की प्रोसीडिंग और किए गए विकास कार्यों से करवाया अवगत। बैठक के दौरान बिजली और पानी से संबंधित मुद्दे छाए रहे। विधायक रूपाराम मुरावतिया ने संबंधित अधिकारियों को लंबित विकास कार्यों को जल्द पूरा करने के दिए निर्देश। इसी दौरान उपखंड अधिकारी जेपी बेरवा ने भी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए जनहित के कार्यों को में देरी नहीं करने की है अपील। रिया बड़ी बीसीएमओ डॉक्टर एस एस दिवाकर के निर्देशन में डेंगू और मलेरिया के बचाव को लेकर चिकित्सा विभाग के कार्मिकों के साथ साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की टीम ने घर घर दस्तक देकर सर्वे कार्य किया शुरू। लाडवा ग्राम की एएनएम चेतना शर्मा, आंगनबाड़ी आशा इंद्रा वैष्णव, चंद्रकांता सोनी, कार्यकर्ता राजेंद्र वैष्णव ने विभिन्न गली मोहल्लों में पहुंचकर घर घर सर्वे करते हुए डेंगू और मलेरिया से बचने के बताए उपाय। उन्होंने पानी इकट्ठा नहीं होने देने के साथ साथ साफ सफाई की जानकारी दी। मकराना शहर के हॉस्पिटल रोड स्थित श्री रामदड़ भवन में मंगलवार को 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह कथा समारोह का हुआ शुभारंभ। इस अवसर पर चार भुजा मंदिर से कलश यात्रा निकालकर महिलाओं और श्रद्धालुओं ने भक्तिभाव से बैंड बाजाओं के साथ निकाली शोभा यात्रा। कुचेरा कस्बे के अजमेर रोड पुलिस थाने के पास कल जीडी लाइब्रेरी का हुआ लोकार्पण। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं को मिलेगी सुविधा। कर सलाहकार अनिल कुमार माली ने बताया कि उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मदनलाल टाक, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष पुखराज टाक ने दीप प्रज्वलित करते हुए फीता काटकर लाइब्रेरी का किया शुभारंभ। लाइब्रेरी संचालक उगमा राम तथा राजू माली ने अतिथियों को माला एवं साफा पहनाकर किया स्वागत। अत्याधुनिक तरीके से तैयार लाइब्रेरी में यूटीएल सोलर सिस्टम के साथ साथ इंटरनेट और एसी की 24 घंटे मिलेगी सुविधा। मारवाड़ मुंडवा में हज उमरा के लिए रवाना हुए अनवर खोकर और रुस्तम खोकर ने से परिवार कल गाजे बाजे और जुलूस के साथ कस्बे के जाना सईद बाप जी की दरगाह पर की जियारत। मोहल्लेवासियों और रिश्तेदारों ने माला पहनाकर इस मौके पर किया इस्तकबाल। इस दौरान नसीब खोकर ने बताया कि उमरा की फ़्लाइट बुधवार को दिल्ली से होगी रवाना। इस मौके पर कस्बे वासियों के साथ साथ अन्य परिजनों ने भी पहुंचकर दी मुबारकबाद। यह है न्यूज़ 21 राजस्थान। नागौर जिले और राजस्थान का सबसे विश्वसनीय एवं तेजी से बढ़ता न्यूज़ पोर्टल।